और इस वक्त की खबर हमको सुकमा से मिल रही है, जहां पर जगरगुंडा इलाके में शिक्षा दूत की हत्या का मामला सामने आया है। बेनपल्ली में ये पदस्थ नक्सलियों द्वारा हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतक शिक्षा दूत का नाम होगा। मौके से नक्सल पर्चा बरामद भी हुए हैं। तो इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं, जगरगुंडा इलाके में शिक्षा दूत की हत्या का मामला सामने आया। हत्या में नक्सलियों का हाथ होने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। शिक्षा दूत का नाम होगा बताया जा रहा है। जगरगुंडा के बेनपल्ली में ये पदस्थ था, शिक्षा दूत की हत्या का मामला सामने आ रहा है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवा, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या कुछ अपडेट्स मिल रहे हैं अभी वहां से? जी, मैं आपको बता दूं, जब सर्वाधिक शुरू हुआ था तो नक्सलियों ने कई दर्जनों स्कूलों को बंद करवा दिया था। उसी को दोबारा शुरू करने के लिए पहल की गई थी जिला प्रशासन के द्वारा, और वहाँ के स्थानीय शिक्षित लोगों को रोजगार देते हुए वहाँ पर शिक्षा दूत नियुक्त किया था। और अब खबर निकल के आ रही है, जगरगुंडा के बेनपल्ली इलाका में एक शिक्षा दूत की हत्या कर दी गई है, जिसका नाम होगा। और हालांकि अभी तक उसके परिजन पुलिस थाना नहीं पहुंचे, लेकिन एसपी तलत सिन्हा ने इसकी पुष्टि की है। जी शिवा जी, और कुछ अपडेट्स मिल रहे हैं वहां पर? क्या किसी के ऊपर और भी हमला हुआ है, कोई इसमें घायल हुआ है? जी, अभी ऐसी कोई खबर नहीं आ रही है। हालांकि सिर्फ नक्सलियों ने अभी बताया जा रहा है कि शिक्षा दूत को ही हत्या की है और किसी के ऊपर कोई हमला नहीं किया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। और झाबुआ उपचुनाव के